तर या खासदारांच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना पाकिस्तानच्या मंत्र्यानं पुलवामा हल्ल्याबाबत मोठा खुलासा केलाय, त्यामुळे पाकिस्तानची पोलखोल झाली आहे. सादक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा. जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर के स्पीकर जनाबे शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगे कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाबे स्पीकर वहां पे. और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क्यादत में इस कौम की कामयाबी है. उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं. और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें, ये वो फखर है जो कि हमारी पुलवामा के वाकये के बाद जिस तरीके से हमने घुस के मारा हिंदुस्तान को, जिस तरीके से हमने घुस के मारा भारतात घुसून आम्ही त्यांना मारलं, पुलवामा हल्ल्याच्या मागे पाकिस्तानचा हात होता, हे तर सिद्ध झालं. पण नंतर अर्थातच फवाद चौधरी यांनी आपलं विधान बदललं आणि त्यांनी असं म्हटलं की पुलवामाच्या हल्ल्यानंतरचा हा संदर्भ होता. पण पाकिस्तानच्या मंत्र्यांकडून करण्यात आलेल्या या खुलाशानंतर भाजपा आणि काँग्रेसमध्ये मात्र आरोप प्रत्यारोप सुरू झालेत. बघूयात भाजपचे संबित पात्रा आणि रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी काय म्हटलंय ते. जे पी नड्डा जी का और भाजपा का पाकिस्तान प्रेम छूटेगा कब? पाकिस्तान प्रस्त भाजपा को पाकिस्तान के नेताओं पर इतना विश्वास क्यों है? हिंदुस्तान के नेताओं पर विश्वास क्यों नहीं? क्या ये पाकिस्तान प्रस्त भाजपा की हारी हुई नीति को नहीं दर्शाता? हारी हुई भाजपा और जनता दल यूनाइटेड अब बिहार के मुद्दों को छोड़ फिर पाकिस्तान में चुनाव लड़ना चाहते हैं. मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले चुनाव में आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बने तो पाकिस्तान में पटाखे चलेंगे. तो क्या जेपी नड्डा जी ने और अमित शाह जी ने पाकिस्तान में पटाखे चलाए? सर्जिकल स्ट्राइक हिंदुस्तान करता है, पाकिस्तान के छक्के छूट जाते हैं और शहजादा जो है वो सवालिया निशान हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर, हिंदुस्तान के आर्मी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर लगाता है. और जो फ्रेज शहजादा इस्तेमाल करता है वो फ्रेज, वो मुहावरा है खून की दलाली. मतलब सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी, शर्मनाक. एयर स्ट्राइक होता है, एयर स्ट्राइक के बाद शहजादे कहते हैं कुछ नहीं हुआ है, मोदी जी ने कुछ नहीं किया है. और दूसरी तरफ उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देखिए, पैर कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं. राहुल जी, आप पैर कांपने वालों के साथ क्यों हैं? पसीने छूटने वालों के साथ क्यों हैं? आप उनके साथ क्यों नहीं है जिनके पांव जमे हुए हैं? भारतात हे राजकारण सुरू झालंय, पाकिस्तानात तिथल्या सरकार विरुद्ध मात्र असंतोष आहे. पण तिथले अधिकारी काश्मीरचा विषय काही सोडत नाहीयेत. पाकिस्तानच्या एका ऑनलाईन बैठकीत पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांना एक जबर धक्का बसला, कारण या बैठकीत अचानकच श्रीरामाची गाणी लागली आणि सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला. नेमकं काय झालं ते कोणालाच कळत नव्हतं. नंतर ही भारतीय हॅकर्सची करामत असल्याची माहिती पुढे आली. पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी काश्मीरवर एका आंतरराष्ट्रीय चर्चा सत्राचं आयोजन केलं होतं. झूमवर हा परिसंवाद सुरू होता, त्यावेळी एक वक्ता आपलं मत व्यक्त करत होता आणि त्याच वेळेला अचानकच हनुमान आणि श्रीरामाचं गाणं लागलं. मध्येच हा गाण्याचा आवाज आल्यानं नेमकं काय झालं हे कोणालाच कळलं नाही. Our very dear friend and honorable leader. We are Indians. We will kick you. Thank you. Oh my goodness. This is a great